हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग समझेंगे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होता है, तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग को हम माइक्रो एब्रेसिव ब्लास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, इज अ मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस यूज टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ गिवन वर्क पीस। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होती है जो अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने का काम करती है। ओके, द प्रोसेस मेक्स यूज ऑफ एन एब्रेसिव जेट। इसमें क्या होता है, एब्रेसिव जेट का यूज़ होता है विथ हाई वेलोसिटी टू रिमूव मटेरियल एंड प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिश टू हार्ड मेटेलिक वर्कपीस। ओके, अब हम समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। ये जो एब्रेसिव जेट की हमने बात की, जो एब्रेसिव जेट होगा ये मटेरियल को रिमूव करेगा, ये मटेरियल को रिमूव करने का काम करेगा, तो एब्रेसिव जेट होता क्या है। ओके, तो एब्रेसिव जेट क्या होता है कि एब्रेसिव जेट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस और एयर एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स। ओके, एब्रेसिव पार्टिकल्स और गैस और एयर का मिक्सचर होता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कौन सी गैस यूज़ होती है, तो इसमें कॉमनली कैरियर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये गैस यूज़ होती है। ओके, अब हम बात करें कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो एब्रेसिव पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस एंड मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ द वर्कपीस। ओके, और इसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग ग्रेन साइजेस होती है। ओके, क्योंकि हाई सरफेस फिनिश कैन बी ऑप्टेन डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन साइज। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो फिल्टर है वो फिल्टर क्या होता है। ओके, ये जो फिल्टर है ये फिल्टर होता क्या है, इट फिल्टर्स द गैस बिफोर द एंट्रिंग द कंप्रेसर एंड द मिक्सिंग चैम्बर। ओके, सबसे पहले ये क्या करेगा, एयर और गैस को फिल्टर करेगा कि फिर वहाँ से कहाँ आएगा, ये कंप्रेसर में। अब सबसे फिर इसके बाद में हम बात करें कंप्रेसर क्या होता है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस्ड करेगा गैस को। ठीक है, इट कंप्रेस्ड द गैस। देन हम बात करें प्रेशर गेज और फ्लो रेगुलेटर क्या होता है, तो दे आर यूज टू कंट्रोल द प्रेशर एंड रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ द एब्रेसिव जेट। देन उसके बाद में मिक्सिंग चैम्बर की बात करते हैं कि मिक्सिंग चैम्बर क्या होगा, तो मिक्सिंग चैम्बर इज़ यूज टू मिक्स द गैस एंड एब्रेसिव पार्टिकल्स। ये क्या करेगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स और गैस को क्या करेगा, यहाँ पर मिक्स करने का काम करेगा। अब जो यह होपर की बात करते हैं कि होपर क्या होता है, होपर जो होता है यहाँ से एब्रेसिव जो पाउडर होता है उसे फेड कराया जाता है, कहाँ पर, मिक्सिंग चैम्बर में, और यहाँ से जो एयर और गैस आ रही है वो यहाँ पर क्या होगी, मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेटर की, तो वाइब्रेटर क्या होता है कि हमेशा मिक्सिंग चैम्बर के नीचे लगा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि एब्रेसिव पाउडर के फीड रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करेगा, और एब्रेसिव जो पाउडर होगा उसे कितना फीड करना है ये वाइब्रेटर पर डिपेंड करता है। ये अप टू 50 साइकिल पर सेकंड वाइब्रेट होता है। ठीक है, देन हम बात करें कि नोज़ल क्या है, तो नोज़ल जो होता है ये राउंड शेप में और रेक्टेंगुलर शेप, दोनों शेप में हो सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली ज़्यादातर टंगस्टन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये टंगस्टन कार्बाइड के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका टंगस्टन कार्बाइड का हाई रेजिस्टेंस वेयर होता है। ठीक है, और नोज़ल करता क्या है, इट फोर्सेस द एब्रेसिव जेट ओवर द वर्कपीस। ओके, ये क्या करता है, वर्कपीस पर एब्रेसिव जेट को फोर्स करवाता है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं कि और एक चीज़ कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है नोज़ल में और वर्कपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं हम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होती है 0.5 mm, ये वाली जो डिस्टेंस होती है 0.5 mm टू 15 mm तक होती है। ओके, 0.5 mm टू 15 mm तक के उसकी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं कि और एक चीज़ की जो वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती है इसकी 100 टू 300 मीटर पर सेकंड तक। ओके, ये इसकी वेलोसिटी होती है जो एब्रेसिव जेट होगा। देन अब हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो कि वर्किंग क्या है, ये हमने समझा भी कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब अपन अगर वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले तो ड्राई एयर और गैस इज फिल्टर्ड एंड कंप्रेस्ड बाय पासिंग इट थ्रू द फिल्टर एंड कंप्रेसर।
देन अ प्रेशर गेज एंड फ्लो रेगुलेटर आर यूज टू कंट्रोल द प्रेशर एंड रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर. देन कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इन टू द मिक्सिंग चेंबर. ओके, इन द मिक्सिंग चेंबर एब्रेसिव पाउडर इज फेड. अ वाइब्रेटर इज यूज टू कंट्रोल द फीड रेट ऑफ द एब्रेसिव पाउडर. द एब्रेसिव पाउडर एंड द कंप्रेस्ड एयर आर थ्रोली मिक्सड इन द चेंबर. द प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर इज रेगुलेटेड एंड सेंड टू द नोजल. ओके, यहाँ से प्रेशर गेज रेगुलेट करेगा प्रेशर को कि सफिशियंट अमाउंट में नोजल तक जा रहा है या नहीं जा रहा है. देन द नोजल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द मिक्सचर एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स प्रेशर. अ फाइन एब्रेसिव जेट इज रेंडर्ड बाय द नोजल. दिस जेट इज यूज टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम अ वर्क पीस. ओके, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने का काम करेगा. ओके फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी वर्किंग. अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन कौन कौन से हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग एब्रेसिव जेट मशीनिंग. तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ड्रिलिंग, बोरिंग, सरफेस फिनिशिंग, क्लीनिंग, डैबरिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, मिलिंग. कितने हम कम से कम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें.